पेट्रोल तो इन्होंने देना ही देना है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि पेट्रोल के बगैर ना तो घर ही नहीं चलना यार। पेट्रोल बंद हो जाए उसकी तो खैर है, पेट्रोल तो मिल भी जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के बगैर तो वहाँ में गुजारा नहीं है। वैक्सीन नहीं लगवानी, क्योंकि अगर वैक्सीन लगवाएंगे फिर हमारी शादी भी कल को होनी है, फिर बच्चे भी नहीं होंगे। अभी गवर्नमेंट ने पेट्रोल बंद कर देना जो नहीं लगवाएगा। इतनी महंगाई हो गई है घर में, कोई खाने पीने कुछ भी नहीं है, बिल इतना आता है बिजली का, और महंगाई ने तोड़ दिया हमारा। ये कोई तरीका का नहीं है कि पेट्रोल बंद करके लोगों को प्रेशराइज करके, तो इस तरह अगर वैसे है तो आपकी बेहतरी के लिए। बिल्कुल बेहतरी के लिए है, लेकिन बस इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह जल्दी लगवा लेंगे, अभी फिलहाल नहीं लगवाई है। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको ये पेट्रोल नहीं मिलेगा, फिर 15 तारीख के बाद से उसकी ट्रैवलिंग बंद कर जाएगी, मोटरवे पर पाबंदी लग जाएगी, और सारे कोई वो खाना नहीं खा सकता किसी रेस्टोरेंट में। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी इतनी राय है कि हमें तो अब ये लग रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं किसी गैर मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पर हमें अपनी आज़ादी का भी हक जीने का नहीं है, कोई जीने का हक नहीं। ये गवर्नमेंट, मुझे आई थिंक ये लग रहा है कि ये माफिया है, ये हमें गवर्नमेंट नहीं मिली, हमें एक माफिया मिल गया है जो करप्शन के साथ साथ आवाम को सरेआम लूट रहा है। वो इस लिहाज से कि अब ये जो बंदिश लगा रहे हैं वैक्सीन के हवाले से, पेट्रोल की बंदिश, तो मैं नहीं समझता ये गवर्नमेंट किसी के हक में बेहतर सोच रही है या कर रही है। ये ज़बरदस्ती, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आवाम को तंग करने का एक इन्होंने ज़रिया पकड़ा हुआ है, ये डे वन से इसी तरह कर रहे हैं। जो वैक्सीन लगवाएगा वही जॉब कर सकता है, तो क्या ये फिर भी आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? वो तो आप देखें ना, सूरत हाल को देखते हुए जो भी हालात चलेंगे उसके मुताबिक चलना तो है ही हमें। हम तो एक तरह से इस माफिया के तहत चढ़े हुए हैं। पेट्रोल तो इन्होंने देना ही देना है, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि पेट्रोल के बगैर ना तो घर ही नहीं चलना, उस तो बगैर बंदा इतने की करे। वैसे इन्होंने लगा दी है वो शोबाजी के तौर पे, बगैर पुलिस वगैरह इस पर कोई करामत नहीं करेगी, बस ऐसे इन्होंने लगा दी है। अच्छा, आपने वैक्सीन लगवाई है? वैक्सीन मैं क्यों लगवाऊँ, मरना है मैं पागल हाँ। 2 साल बाद बंदे मार रहे हैं इतने भैन, मैं पागल हाँ। यार पेट्रोल बंद हो जाए उसकी तो खैर है, पेट्रोल तो मिल भी जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के बगैर तो वहाँ में गुजारा नहीं है। वैक्सीन नहीं लगवानी, क्योंकि अगर वैक्सीन लगवाएंगे फिर हमारी शादी भी कल को होनी है, फिर बच्चे भी नहीं होंगे। मसला सारा ये है। तो भाई ये सारी दुनिया मतलब वैक्सीन लगवा रही है, तो आपकी बापू की जिन्होंने लगवाई है, जिनकी शादी है, उनसे पूछ ले जाके, वो आपको बता देंगे। तो मतलब आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? नहीं, हम नहीं लगाएंगे भाई। पेट्रोल बंद हो जाएगा, वो पेट्रोल खुलने चीज़ है, पेट्रोल खुल जाएगी वापस। वजीर आजम ने भी गाड़ी चलानी है ना, हाँ जी, वो भी ऐसे ही चल जाएंगे पैदल ही। अच्छी बात है भाई, लगवानी चाहिए वैक्सीन तो, हम मैंने भी लगवाई हुई है और लगवानी भी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है? जी लगवाई हुई है। कोई साइड इफेक्ट हुआ आपको? नहीं, कोई भी नहीं है। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि जो शख्स वैक्सीन नहीं लगवाएगा तो उसका पेट्रोल बंद कर दिया जाएगा, बस में सफ़र नहीं कर सकेगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मैंने सुना तो है वैसे कि क्या ठीक रहे हैं, सबको लगवानी चाहिए क्योंकि इंसान की सेफ्टी के लिए है, तो जारी है तो इंसान को चाहिए। शादी हुई है? जी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो शादी के बाद अगर कोई शख्स ये वैक्सीन लगवाता उसके बच्चे नहीं होंगे, तो उसके बारे में आप? ऐसा कुछ नहीं है, गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जी जी। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि जड़ा बंदा कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा वास्ते पेट्रोल भी बंद हो जाएगा, मतलब उन्होंने पेट्रोल नहीं मिलेगा ना, वो बस से सफ़र कर सकेगा ना, किसी होटल वगैरह से खाना खा सकेगा। तो तुम कोरोना वैक्सीन लगवाई है? सर जी, वैक्सीन तो नहीं लगवाई, लेकिन साडा मुल्क जड़ा ना इन गलों की वजह तो ना 47 के वापस आ गया। अच्छा जी। हाँ जी, हुण कोई हालात जिहड़े गए ना मुल्क दे नहीं रह गए, क्योंकि इस तो पहले जिहड़े सी हसला बसला मुल्क जिहड़ा है छीन लिया। अच्छा, तुसीं वेख्या हाली करोना आया सी जदों, ते किन्नी आवाम मर गई है करोना दी वजह तो मर गई है, ते हुण इक उहदी तुहानूं फ्री च इक सहूलत हुकूमत दे रही है, ते तुसीं क्यों नहीं लवांदे पे? सर जी, उह तां अपनी अपनी मर्जी है, ज़बरदस्ती ते नहीं हो सकदा, अगर ज़बरदस्ती करनगे ते उह इहनां ते मुनसर हैगा इह। लेकिन डाक्टरां ने जिहड़ा हैगा ना, उह कुछ कहिंदे ने जी इहनूं वैक्सीन लाओ, तो कुछ कहते हैं जी ये डैमेज हो जाएगा 2-4 साल तो बाद आदमी। यार ये बिल्कुल गलत है, वैक्सीन का लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। कई लोग कह रहे हैं जी वैक्सीन लग जाएगी 2 साल बाद फौत हो जाएंगे, और लग जाएगी तो शादी के काबिल नहीं रहेंगे। मैंने 2 डोज लगा ली हैं, जब से मैंने डोज आपने लगवा ली हैं? हाँ जी, 2 लगवा ली हैं। तो कोई आपको साइड इफेक्ट हुआ? कुछ नहीं हुआ, जब से मैंने 2 डोजे लगवा ली हैं, तो मेरा तो दिल करता है मैं दूसरी शादी करूँ, और मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना जो हैप्पी हूँ लगवाने के बाद। ये बिल्कुल लोग गलत कह रहे हैं, और लिहाजा मैं हुकूमत से फिर ये अपील करता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना जी शादी के काबिल नहीं रहेंगे लगवाने के बाद, हुकूमत को चाहिए कोई उसके साथ दूसरी वैक्सीन तैयार करें जो इनको दूर करे। ये लोग जो ना नफसाजी तौर पर खुद जो है ना मरीज़ हैं, हो सकता है उनको पहले की प्रॉब्लम हो लोगों को, और वो अब ये वैक्सीन का जो है ना रोना रो रहे हैं।
तो ये बिल्कुल गलत वो लोग कह रहे हैं, तो ये उनको अपनी फैमिली प्रॉब्लम होगी पहले से। सर देखिए, हमारी सेफ साइड के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है और अच्छा कर रही है, मेरे हिसाब से इसमें इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए और ज़्यादा मज़ीद सख्ती होनी चाहिए। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका, लोगों ने ऐसे ही मशहूर किया हुआ है, जितने मुँह उतनी बातें। पता नहीं, बहरहाल ये तो इतना नहीं मुझे इलम है कि 2 साल बाद मर जाएंगे। अगर मर जाएंगे तो जिन्होंने नहीं लगवाई वो लगवा ले, क्योंकि दुनिया में अकेले रह के उन्होंने क्या करना है, जब सबने लगवा लिया तो फ़ायदा तो कोई नहीं ना। मतलब आप चाह रहे हैं कि लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं? लगवाना चाहिए, मेरे नज़दीक तो यही है, बेहतर यही हाल है। वैसे हम भी नाज़रीन यही चाह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन आप सब लगवाएं, तो भाई ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आवाम के अंदर कोरोना वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए और कुछ इसकी मुखालफत करते हैं। मुस्कुराता लाहौर की टीम की जानिब से हम यही पैगाम देंगे हमारी आवाम को कि कोरोना वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को और अपने अहले खाना को इस मोहलिक बीमारी से महफूज फरमाएं। अपने होस्ट सैयद हमाल हुसैन वास्ती और ज़ुबैर मलिक को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।